मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां भाजपा कार्यकर्ता जश्न के रूप में मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने आज विश्वासघात दिन मनाया। चंबल का पानी ला देंगे, पानी ला दूंगा, ईएसआई हॉस्पिटल चालू कर देंगे। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह, जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को झूठ और जनता से छल की सरकार बताया। सिंह ने मोदी सरकार को लोकतंत्र का खतरा भी बताया। देखिए, आप देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है, प्रयोग किया है। जहाँ भी बहुमत थी कांग्रेस पार्टी का, वहाँ सरकार तोड़ने का प्रयास किया है। जहाँ चुनाव हुए वहाँ उनने गवर्नर से अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उनने काम करके, हम हाल ही में हमने कर्नाटक के अंदर ये देखा है। तो लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है ये मोदी सरकार। हर लोकतंत्र एक डिपार्टमेंट को, जितने भी स्तंभ हैं खड़े हुए, उनको तोड़ने का प्रयास किया। और ख़ास तौर से जो मीडिया के साथ जो व्यवहार मोदी जी कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को मालूम है और देश को मालूम है कि इस तरह की मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है। कर्नाटक वर्ग इस सरकार से दुखी है, किसान दुखी है, किसान को जो लागत है वो नहीं मिल रही है, दुगनी की तो बात बहुत दूर की बात सोचिए, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो खराब हो चुकी है, रोज आए गए किसी को मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, जेल छीन जा रही है, डकैती हो रही है। और हाल ही में कल भी किशनगढ़ के अंदर 3 ऐसी वारदात हुई हैं। पूरे देश के अंदर एक माहौल पिछले 4 साल में बिगड़ गया है, भाईचारे का माहौल बिगड़ गया है। आज चाहे हमारा SC समाज हो, दलित समाज हो, ST समाज हो, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथ साथ जो आर्थिक संकट जो देश के ऊपर आया है, आज हर व्यक्ति उससे पीड़ित है। रोड पर लेकर मोदी जी ने लोगों को खड़ा कर दिया है। हमारी देश की रक्षा और सुरक्षा की व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जो देश पिछले 60 साल से हमारे साथ खड़े होते थे, जैसे रशिया है और जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको उनने भगा दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर नक्सलवादी का कब्जा होता जा रहा है। तो एक तरह से पूरी व्यवस्थाएं इस देश की खराब हुई है और देश इंतज़ार कर रहा है, जनता इंतज़ार कर रही है कि कब 2019 आए और कब हम मोदी को उखाड़ कर फेंके, जैसा परिचय अलवर लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिल चुका। अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने मोदी सरकार के 4 साल को कुशासन की सरकार बताया। उन्होंने मोदी सरकार पर झूठ बोलकर सत्ता में आने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मोदी सरकार हर तरफ फेल साबित हुई। देखिए, आज 26 मई को मोदी सरकार के 4 साल उस कुशासन के पूरे हो रहे हैं। 4 साल पहले जब वो सत्ता में आए थे तो बहुत बड़े बड़े वादे जनता के साथ में किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, नौकरियों की बौछार हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, डीजल पेट्रोल के काम कर देंगे, बहुत सारे स्मार्ट सिटीज बना देंगे। ये जितने वादे किए उनमें से गंगा को साफ कर देंगे, राम मंदिर बना देंगे, काला धन सारा ले आएंगे, मुझे 50 दिन दे दीजिए, 4 साल में तो पता नहीं क्या कर दूंगा, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता के साथ में उन्होंने इन 4 सालों में विश्वासघात किया है, सिवाय भाषणबाजी के कोई उपलब्धि नहीं रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी देश भर में इसको विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है, जनता को आगाह कर रही है कि इस तरह से झूठे वादे करने वाली पार्टियों और नेताओं से हमें परहेज रखना है। और आज जनता जब त्रस्त है पानी से, बिजली से, भोजन से, पेट्रोल डीजल की दामों के बढ़ने से, बेरोजगारी से, किसान आत्महत्या कर रहे हैं भाव नहीं मिलने से, ऐसे मौके के ऊपर हम ये चेतावनी देते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें,
अन्यथा कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और आज के दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे देश की जनता को आगाह किया जा रहा है कि ऐसे विश्वासघातियों को जो सबक दिया जाना चाहिए वो आने वाले विधानसभा के और 2019 के चुनाव में जनता दे करके और उनका पत्ता साफ करेगी। वहीं जिलाध्यक्ष टीकाराम जुले ने कहा कि मोदी जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने रैलियां और विदेशों में घूमने के अलावा कुछ नहीं किया। देश की जनता आज परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। इस कमेटी की तरफ से आज का ये दिन विश्वासघात के रूप में मनाया है और नरेंद्र मोदी जी जब से सीट के ऊपर बैठे जनता के साथ विश्वासघात ही किया है, जो भी वादे किए कोई वादा पूरा नहीं किया और ऐसा लग रहा है जैसे जनता को बेवकूफ़ बना के हंस रहे हैं वो। उनको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, जनता के बीच में कभी जाते नहीं है, या तो रैलियां करते हैं चुनाव के अंदर या विदेश में घूमते हैं। आज जनता के क्या हाल है तो उनको नहीं पता है, उनको शायद ये भी नहीं पता है कि आज डीजल पेट्रोल किस रेट में है, उनको ये भी नहीं पता है गैस किस रेट में है और उनको ये भी नहीं पता है कि आज दाल के रेट क्या हो गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस उनको जगाने का काम कर रही है कि 4 साल हो गए, आम जनता परेशान है, पूरे भारत देश की जनता परेशान है, मोदी ये गद्दी छोड़े और जनता के बीच में अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उनका कार्यकाल से कोई खुश नहीं है। इस दौरान बांसुर विधायक शकुंतला रावत, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, योगेश प्रधान, नरेंद्र मीणा, नरेंद्र शर्मा, जोगेंद्र कोचर, नीलेश खंडेलवाल, योगेश मेहता, अनिल जैन, बस्तीराम यादव और राजेश कृष्ण सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।